दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे ई श्रम कार्ड के तहत आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैसे अप्लाई कर सकते हो। जी दोस्तों, अगर आपका भी घर कच्चा है तो दोस्तों आप आवास योजना में अप्लाई कर सकते हो ई श्रम कार्ड के थ्रू, जिसमें आपको हर स्टेट में सरकार की तरफ से पैसा अलग अलग मिलता है। किसी स्टेट में 1,60,000 रुपये मिलता है, किसी स्टेट में 1,20,000 रुपये मिलता है। तो मैं आपको दोस्तों अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप अप्लाई करके घर बनाने के लिए पैसे कैसे ले सकते हो, कब तक पैसा मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन वीडियोस मिलती रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मोबाइल का किसी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा ई श्रम। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार पेज आ जाएगा ई श्रम होम, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने esrm.gov.in का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पर आपको दोस्तों नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर त्रिकोण पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक स्कीम का ऑप्शन मिल जाएगा, इस प्लस आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। नीचे आपसे मिल जाएगा सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम से, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी इंग्लिश में आ रहा है, आपको हिंदी में यहाँ से आपको कर लेना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्कीम योजना के बटन पर क्लिक करना है, सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ढेर सारे योजना मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ये काफ़ी नोट भी मिल जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG। तो यहाँ पर दोस्तों सब कुछ आपको पहले डिटेल में पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पर लिखा है भारतीय नागरिक होना चाहिए लाभ लेने के लिए, कामगार सहित कोई प्रभाव नहीं 15 से 59 वर्ष के आयु के बीच कोई सदस्य नहीं है, यानी यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर लिखा है कोई परिवार में जिसमें कोई निःशुल्क सत्य सदस्य व प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हो, जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और केवल अनैतिक श्रम संगलन, यानी कोई नौकरी वगैरह नहीं है, इसलिए श्रम संगलन है। उसके बाद फिर लाभ कितना मिलेगा, देखिए लाभ कितना मिलेगा, लाभार्थी को मैदानी क्षेत्रों में 1.2 लाख रुपये, पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख सहायता के प्रदान की जाती है। दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया हर स्टेट में पैसा थोड़ा अलग अलग मिलता है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको फिर से गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको दोस्तों सर्च करना पड़ेगा PMAYG.NIC.IN। इतना आपको सर्च करना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण ऑफिशियल वेबसाइट है, इस प्रकार पेज आपके सामने पे आ जाएगा। यहाँ से आपको इस एड को कट कर देना है और यहाँ पर आपको आवास का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। एक डाटा एंट्री का ऑप्शन दोस्तों मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है ये लिए आपको। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर फिर से एक नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर आपको दोस्तों तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, पहले MIS डाटा एंट्री, दूसरा ऑप्शन मिल जाता है FTO डाटा एंट्री वेरीफाई, और एक ऑप्शन और भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको मिस डाटा एंट्री के नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए लॉगिन का। इस लॉगिन के बटन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है PMAY में पंजीकरण और फोटो वेरीफिकेशन में अच्छी स्पीड के लिए न्यू सर्वर लगे हैं, तो यहाँ पर आपको न्यू सर्वर पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार पेज आ जाएगा, यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालकर कैप्चा डालकर यहाँ पर लॉगिन कर पाओगे, लेकिन दोस्तों यहाँ से यह सभी के पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं होता है। अब यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करवाना पड़ेगा। अप्लाई कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, पहले बात वो करते हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे पहले बात पूरी डिटेल में अच्छे से मैं समझाते हैं आपको। डॉक्यूमेंट की दोस्तों अगर बात करें तो आप ई श्रम कार्ड के तहत अप्लाई करोगे तो ई श्रम कार्ड की फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड जिसके थ्रू अप्लाई करोगे उनका एक फोटो कॉपी आधार कार्ड की होनी चाहिए। घर के सभी लोगों की आधार कार्ड की फोटो कॉपी होनी चाहिए। बैंक पासबुक की फोटो कॉपी होनी चाहिए। जाति आय निवास है मतलब आय जाति निवास इनकी फोटो कॉपी होनी चाहिए। पैन कार्ड है पैन कार्ड की फोटो कॉपी, वोटर आईडी कार्ड अगर है तो उसकी भी फोटो कॉपी लगा देना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। पासपोर्ट साइज फोटो दो आपके होने चाहिए और राशन कार्ड की फोटो कॉपी, और आप मनरेगा जॉब कार्ड है तो इसकी फोटो कॉपी लगा सकते हो, तो इसे अंतर ऐसे छोड़ सकते हो, और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लगेगी। दोस्तों इतने डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे जो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। अब मकसद यहाँ पे दोस्तों आता है अप्लाई कैसे करना है, आपके पास तो यूजर आईडी पासवर्ड होगा नहीं, लेकिन दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप दो तरीके से करवा सकते हो। या तो आप ब्लॉक जाओगे, जो भी अधिकारी बैठते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के वहाँ से अप्लाई करो, क्योंकि दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उनके पास यूजर आईडी पासवर्ड होता है, वहाँ से वो लोग अप्लाई कर देंगे। सारे डॉक्यूमेंट मैंने बताए, वहीं पर आपका सारे डॉक्यूमेंट एक में अटैच करके ले जाना होगा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो भी अधिकारी हैं वहाँ से आपका अप्लाई हो जाएगा। दूसरा मकसद दोस्तों यहाँ पे ये है कि हम ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, उनके तहत आप अप्लाई करवा सकते हैं, उनके पास कागज को जमा कर सकते हैं, वो भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आवास योजना में आपको अप्लाई करवाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात कर रहा हूँ। अप्लाई करने वाला को दोस्तों आपको एक महीने तक वेट करना है। वेट करने के बाद आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके जो आपने अप्लाई किया उसको घर वगैरह का देखा जाएगा, आप पात्र हो या फिर नहीं हो। उसके बाद आपकी योजना अप्रूव्ड हो जाएगी, उसके बाद आपको पहली किस्त का पैसा मिल जाएगा और फिर दूसरी किस्त, या आपको 2 से 3 किस्तों में पैसा मिलता है।
दोस्तों इस प्रकार से आपको अप्लाई करना पड़ेगा ई श्रम कार्ड के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो अप्लाई करके दोस्तों आप भी अपने घर के लिए पैसे निकलवा सकते हो आवास योजना के तहत। तो आशा करता हूँ अब आपका समझ में दोस्तों आ गया होगा। यही तरीका है दोस्तों, अपने आप से आप ऑनलाइन तो कर नहीं सकते, लेकिन ऑनलाइन होता है, लेकिन हम सारे लोगों के पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं होता है, लेकिन नगरीय क्षेत्र का हो जाता है, लेकिन यहाँ से नहीं होता। लेकिन इन दो तरीके से आप करवा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट है फिर कन्फ्यूजन लग रहा है तो कमेंट कर सकते हो। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।